आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लिफ्ट स्किल चैनल पर। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं ऑप्शन मार्केट के बारे में। जैसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर मैक्सिमम लोग खरीद के काम करना प्रेफर करते हैं, चाहे कॉल हो या पुट हो, चाहे इंडेक्स के ऑप्शन हो, चाहे स्टॉक के ऑप्शन हो। उसका कारण ये रहता है कि खरीद के काम करने में एक कैपिटल कम लगती है, वहीं अगर हम शॉर्ट सेल करके उसको काम करते हैं तो उसमें कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मान लो कोई स्टॉक 100 रुपये का चल रहा है और 110 रुपये स्ट्राइक प्राइस का, मान लो कॉल 5 रुपये का चल रहा है, तो लोगों को लगता है कि ये 5 रुपये में ले लेते हैं, इतना ही इन्वेस्टमेंट होगा, कभी ये भाग गया, कोई लॉटरी लग गई तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो यहाँ पर कम कैपिटल में एक ज़्यादा पैसा कमाने का मौका दिखता है लोगों को, इसीलिए लोग मैक्सिमम टाइम खरीद के काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है यहाँ पर मैक्सिमम लॉस इसी कारण लगता है कि वो खरीद लेते हैं। खरीदने के कारण क्या, कई बार थोड़ा सा नीचे आ गया तो वो वेट करते हैं कि अभी महीना बाकी है, और धीरे धीरे एक्सपायरी नियर आ जाती है और वो कॉल पुट गल जाते हैं और पूरा पैसा चला जाता है। ये बर्फ के लड्डू जैसा होता है कि हाथ में रखा, थोड़ी देर रखा रहा तो वो पूरा गल गया, घुल गया, ना ही हमारे हाथ में कोई प्रोडक्ट है, ना ही हमारे हाथ में कोई पैसा बचा। तो इस तरीके से एक काफ़ी बड़ा कैपिटल लॉस बायर्स को लगता है ऑप्शन मार्केट में वो वर्क करते हैं। तो मैं मेरे मैक्सिमम वीडियो में भी बोलता हूँ कि अगर हम ऑप्शन मार्केट में वर्क करना चाहते हैं तो हेजिंग सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन मार्केट में वर्क करने का। अब दूसरी बात यह आती है कि भाई अगर हम बेच के काम करते हैं तो बेच के काम करने में ये प्रॉब्लम होती है कि रिवार्ड जो होता है वो एक लिमिटेड होता है और रिस्क जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। मान लो 3 रुपये का कोई कॉल ऑप्शन में शॉर्ट कर रहा हूँ तो मैक्सिमम मुझे जो प्रॉफिट होगा वो 3 रुपये का होगा, लेकिन रिस्क का जो लेवल है वो अनलिमिटेड हो जाएगा क्योंकि वो ऊपर कितना भी बढ़ सकता है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे फेवरेबल नहीं रहता, शॉर्ट हम अगर करते हैं और उसमें मार्जिन भी हमें काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर अगर नेकेड पोजीशन में हम कोई शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते हैं ऑप्शन में, वो अपने आप में एक रिस्क ही होता है क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहता। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन मार्केट में वर्क करना चाहते हैं, हम जानते हैं कि खरीद के काम करने में मैक्सिमम ट्रेडर को लॉस ही लगता है, तो बेच के अगर हम काम करें तो यहाँ पर प्रॉफिट की एक ज़्यादा संभावना बनती है, लेकिन यहाँ पर बेच के अगर काम करें तो रिस्क का लेवल काफ़ी बड़ा होता है। तो अब रिस्क के लेवल को मिनिमाइज करते हुए किस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं, एक मैं मेरा तरीका बताता हूँ आपको, एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा और आपको समझने में आसानी रहेगी। मान लो कोई स्टॉक 100 रुपये का चल रहा है और उसी समय 120 स्ट्राइक प्राइस का कॉल मान लो 10 रुपये का चल रहा है। अब मुझे लगता है कि भाई ये स्टॉक 120 तक नहीं जा सकता, इस एक्सपायरी पे ये 10 रुपये का जो कॉल चल रहा है ये 0 का हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसे शॉर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि नेकेट अगर उसे शॉर्ट कर दिया तो रिस्क अनलिमिटेड भी हो सकती है। मान लो आज ठीक है, आज शॉर्ट करा, आज ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ और मैं पोजीशन कैरी करके ले गया और 3:30 के बाद उस स्टॉक से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ गई, कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई और बहुत बड़ी उसमें गैप अप ओपनिंग हो गई, 15-20% ऊपर खुल गया, तो यहाँ पर एक रिस्क अनलिमिटेड रहेगी। रात को नींद भी अच्छे से नहीं आएगी क्योंकि वो शॉर्ट पोजीशन हमारी ओपन खड़ी है। अब 120 रुपये का कॉल मैं 10 रुपये में बेचना चाहता हूँ तो ठीक है, मैं उसे 10 में बेच देता हूँ, लेकिन अब मैं मेरी रिस्क कवर करना चाहता हूँ। उसी के बाद वाला ऑप्शन मैंने देखा, मान लो 130 स्ट्राइक प्राइस का वो 5 रुपये का चल रहा है, अब वो 5 रुपये का मैंने ऑप्शन परचेज कर लिया। अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज है तो आप समझ जाएंगे कि अब मैंने मेरी रिस्क को कवर करा है। अब रिस्क को कवर करा है, मान लो अब कोई बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग हो गई, वो ऊपर की तरफ भाग भी गया, तो अपन हर कंडीशन पे विचार करते हैं। पहली कंडीशन है कि भाई ठीक है, एक्सपायरी तक वहीं 100 पे स्टॉक बंद हो गया,
तो 120 स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल ऑप्शन है वो जीरो का हो जाएगा, वहां से मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन 130 स्ट्राइक प्राइस का कॉल भी जीरो का हो जाएगा। अब चूंकि मैंने वो 5 रुपये में खरीदा था, वो भी जीरो का हो जाएगा और मुझे 5 रुपये का लॉस लग जाएगा। यानी 10 का प्रॉफिट हुआ, 5 का लॉस लगा, यानी ओवरऑल मुझे 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब मान लो स्टॉक 100 के नीचे कहीं जाके बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी मुझे 5 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। मान लो कोई बहुत बड़ी तेजी आ जाती है और स्टॉक 150 हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि 120 स्ट्राइक प्राइस का कॉल मान लो 30 रुपीज का हो गया है फेयर वैल्यू के हिसाब से। ये एक मैं फिगर बता रहा हूँ इमेजिन करे हुए, आप चेक करें वास्तविक कीमत पे, चेक करें इन्हें जाके किसी भी स्टॉक में चेक करें। तो यहाँ पर मान लो 150 का हो गया स्टॉक, तो जो 150 का हो गया स्टॉक, तो 120 स्ट्राइक प्राइस का कॉल मान लो 30 रुपीज का हो गया, 10 रुपये में मैंने बेचा था और वो 30 का हो गया, यानी 20 रुपये का मुझे लॉस लग गया। लेकिन मैंने 130 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदा था 5 रुपये में, 5 रुपये में मैंने खरीदा था और वो हो गया 20 रुपये का, यानी 15 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो गया। यानी 120 स्ट्राइक प्राइस वाले कॉल में मुझे 20 रुपये लग गया, लेकिन 130 स्ट्राइक प्राइस वाले कॉल में मुझे 15 रुपये का प्रॉफिट हो गया, यानी ओवरऑल मुझे 5 रुपये का लॉस लगा। यहाँ पर ये तो मेरा एक टेक्निक हो गई। अब कमाने वाली बात जो आती है कि भाई मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ये यहाँ नहीं जा सकता, ये वहाँ नहीं जा सकता, ये कॉल बेचूँ या पुट बेचूँ, वो प्रिडिक्शन करने के लिए क्या टूल का मैं यूज़ कर रहा हूँ, टेक्निकल टूल यूज़ कर रहा हूँ या कोई फंडामेंटल टूल यूज़ कर रहा हूँ या कोई लॉजिकल तरीके से मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, और वो मेरा प्रिडिक्शन कितना परसेंट सही जाता है। तो यहाँ पर प्रिडिक्शन के साथ इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना के हम चेक करते हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने की एक्सपायरी में स्टडी करते हैं और हम देखते हैं कि अगर रिजल्ट हमारे फेवरेबल आता है तो फिर हम इसे लेके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर चेक करने के लिए एक ही एक्सपायरी में हम काफ़ी सारे स्टॉक में भी चेक कर सकते हैं, कोई पैसा लगा के चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर हम पूरा रिटर्न में स्टडी करें कि भाई इस रेट पे हम खरीद रहे हैं, मान लो इस रेट पे बाय कर रहे हैं, इस रेट पे सेल कर रहे हैं, वो सारा रिटर्न में हम नोट करें और उसके बाद कंटिन्यू उसे चेक करते रहें और वहीं हमें पता चल जाएगा डिसीजन फेवरेबल है या नहीं है। पर हमें लगता है कि ऑप्शन अगर हम बेच के वर्क करते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादातर खरीद के काम करते हैं तो मैक्सिमम उन्हें पैसा लगता है, तो वहीं अगर हम उल्टा कर दें तो मैक्सिमम हमें पैसा मिलेगा। लेकिन बेच के काम करने में सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, सेफ्टी को ध्यान में रखना चाहिए और हेजिंग का ही यूज़ करना चाहिए, चाहे हम फ्यूचर मार्केट में वर्क करें चाहे हम ऑप्शन मार्केट में वर्क करें। अगर हम विदाउट एनी सेफ्टी वर्क करते हैं तो हमारी 10 दिन की मेहनत मार्केट एक ही दिन में लात मार के पूरी ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पर इस मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, ये बात हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। और इस बात को अगर आप दिमाग में रखेंगे और उस हिसाब से ट्रेड करेंगे कि कुछ भी हो सकता है इस मार्केट में, तो आप सारी कंडीशन में ट्रेड डालने से पहले ही विचार कर लेंगे, ना कि ट्रेड जनरेट करने के बाद सोचेंगे ऊपर चला गया अब मैं क्या करूं, नीचे चला गया अब मैं क्या करूं, इतना लग रहा उतना लग रहा, उससे कुछ नहीं होता। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।